तस्वीरों में दिखने वाला व्यक्ति नरेश नाम का युवक है। आपको बता दें कि इसको जो है चार युवकों ने जो है बड़ी ही बेरहमी से मार दिया, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आप तस्वीरों में नरेश को भी देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से बड़ी ही बेरहमी से एक ही गाँव में रहने वाले चार युवकों के द्वारा इसे मार दिया जाता है। आज परिवार के लोग जो है एसपी करनाल से मिलने पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ पूरा मामला है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। किसने कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो? हम मार के आए हैं, उनको ना फांसी की सजा मिलनी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए हमारे भाई की मिट्टी मिलना चाहिए। बता नहीं रहे अब कहाँ गेरा कहाँ नहीं गेरा, मिट्टी मिलनी चाहिए हमारे सपोर्ट मिलना चाहिए हमारे का एक भाई है घर पर बैठा रहता था, कहीं नहीं जाते, छोटे छोटे चार बच्चे हैं उसके, पता नहीं रहा उसको कहाँ गेरा कहाँ नहीं गेरा। हम ये कह रहे हैं उसको मार के डाला वो कब आएगा नहीं, उसकी मिट्टी मिलनी चाहिए हमारे को, हमारे को ना तो मिट्टी मिलती है, क्या करे फिर हम। एक भाई हमारा मर गया, वो लेके गए कौन थे, वो लेके गए जो वो हमारे गांव के लड़के हैं, गांव भी नहीं है छोटा सा गांव है, कौन सा गांव, कोई काम नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी, 10 साल कोई सा गांव है, जाता था उनके साथ जाता था, उसको तो क्या बोल, कौन सा गांव था, अमरसपुर जी अमरसपुर कला, उसको सजा मिलनी चाहिए। बस इसको कितने लड़के थे, वो चार लड़के हैं, पांचों मेरे भाई को ले गए धक्के से ले गए, वो कभी कहीं नहीं जाता था, यारी दोस्ती थी उनके साथ, नमस्कार में जाते थे कच्चे जाते थे, और उसको पता नहीं रहे। हम ये कहते हैं वो तो हमारा जिंदा आएगा नहीं, हमारे को उसकी मिट्टी मिलनी चाहिए, और इनकी सजा मिलनी चाहिए। कहाँ से आप? हम उससे अमरपुर कला, अमरपुर कला से। क्या हुआ था, क्या रोटी खा रहे, कपड़े दे रहे, रोटी खा रहे, वे पैसा खा के बैठ गए, रोटी के टिफिन जा रहे, रोज के कपड़े रोज के जा रहे, उनके रोटी कपड़े जा रहे, 13 दिनों का मेरी कोई इंसाफ नहीं करते, मेरे को पुलिस मार चौकिया लेने, बैठ जा बैठ जा, तेरा कोई इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, 13 दिनों में मेरा कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा। कितनी उम्र थी नरेश की? 32 साल में लग रहा है वो, 32 साल में लग रहा है। आज किससे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं आज? नमस्कार, मैं सरम वोट से उस पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा की करनाल के जिला सचिवालय से दिखा रही हूँ। और आज जो है एक बहन से जो है उसके भाई को छीन लिया गया, किस तरीके से चार युवकों ने मिलकर एक युवक को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और मार के जो है नहर में फेंक दिया। एक बहुत ही गंभीर मामला जो है निकल कर सामने आया है। फिलहाल क्या कुछ परिवार के लोग कहना चाहते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपको कैसे, आपको पता है, कैसे पता है कि वो उनकी डेथ हो गई, उसको मारा ही गया? बोल रहे हैं हमने मार डाला उसको, नहर में फेंक डाला, उनके कपड़े बाग लगा दी, उसकी बाह तोड़ दी, गिलास तोड़ दी, वो लड़के खुद बोल रहे हैं।
अपने मुंह से बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, और उसको मदद लेके हमारे घर से सड़क पे कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में हमने देख लिया, इसको मदद ले गया है। चार जने लड़के थे, चार लड़के, क्या मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं? हम ये कहते हैं हमारी मिट्टी मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, इंसान मिलना चाहिए। वो लड़के तो अपनी गलती मान रहे हैं, हमने मार डाला है, पानी में गिर दिया, उनके कपड़े आग लगा दिया, क्यों करा उन्होंने, ये नहीं बताया क्यों करा, बता तो नहीं रखी, क्यों करा, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है रखा है। तो आप देख सकते हैं कि बहन है जो काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि उसके तीन चार दोस्तों को भी पकड़ा हुआ है जिन्होंने कबूला है कि नहर में बॉडी को गिर दिया। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? मैंने उनको डिटेन किया, अमृतपुर गाँव के रहने वाले, अमृतपुर गाँव, तो क्या आश्वासन दिया सर परिवार? कानूनी कार्रवाई बिल्कुल करेंगे और कोशिश करेंगे। चार उन्हीं के दोस्त हैं, नरेश के दोस्त हैं, तो शराब के नशे में बताओ, मतलब उन्होंने खुद का बुलाया कि नहर में गिर दिया, अभी तक ये बात सामने शराब उसके बाद ही, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं उनके दोस्तों को हिरासत में। तो अभी आपने सुना नरेश के घर वालों का और डीएसपी का क्या कुछ कहना था। इस वीडियो के माध्यम से आप तक बात जो है जरूर पहुंचाई है, लेकिन इन लोगों को इंसाफ मिल सके इसलिए वोट्स न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।